हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। हमारा प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, या अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उसकी परिभाषा लिखें, या हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण के साथ समझाइए, अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, जितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके सभी प्रकार लिखनी है तथा उनके प्रकार के नाम लिखनी है, वो भी एग्जाम्पल सहित। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखनी है, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहले हम देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सहसंयोजक एकल बंधनों से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, सहसंयोजक एकल बंधनों से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एल्केन का होगा तो आपको एल्केन के ऊपर क्या करनी है, टिक लगा देनी है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन, मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन CH4। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है फ्रेंड। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए खुली श्रृंखलाओं वाले, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित रहते हैं। द्विबंध मतलब दो आबंध या त्रिबंध मतलब तीन आबंध। ठीक है, पर हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं। यहाँ से आपको याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं, तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को यहाँ से एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट सिर्फ इतना है, इसमें प्लस टू है और इसमें प्लस टू नहीं होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, कब, जब कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध हो, ठीक है, वह उसके बीच तीन आबंध हो, तब उसे हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है फ्रेंड, CnH2n-2। या ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर वाले क्वेश्चन में कि एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें, तो आपको ये सभी चीज़ याद कर चलनी है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2।